अस्सलाम वालेकुम यस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जहाँ भी हैं आप। और मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ नाइला मुनाफ, वेलकम टू माय किचन। आज हम लोग बना रहे हैं मतंजन, जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं: मेवे हैं, गरी है, पिस्ता है, बादाम है और चेरी है। साथ इसके में घी है। ये तीन कलर हैं: ग्रीन, येलो और रेड। और चावल मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। मैं उबालती हूँ इस तरह के गर्म पानी में, मैं इनको भिगो के रखती हूँ थोड़ी देर, फिर गर्म पानी के साथ ही इनको डाल देती हूँ। तो अब शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे लगेंगे, पसंद भी आएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये देखें व्यूवर्स, बस चावल थोड़े हो गए हैं। दो तीन कनिया, दो कनिया पे उतार लेंगे, तो बस 5 मिनट और लगेंगे। इंशाल्लाह ये भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई, अच्छा ये मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं, छोटे गिलास हैं। तो ये मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं और 2 ढाई कप मैंने चीनी ली है। और ये साथ दूध है, थोड़ा सा चाशनी बनाने के लिए है। ये जो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें हैं, तो क्योंकि चाशनी जो है वो मैं दूध से तैयार करती हूँ, क्योंकि इससे चावल जुटते नहीं हैं, एक एक चावल रहता है। तो अच्छा, अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए, जो भी आप हेल्प चाहेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगी। आप कमर से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इंशाल्लाह। तो आप बनाएं इस तरह। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह चावल हो गए हैं, एक कन्नी पे आ गए हैं। तो अब मैं इनको ड्रेन कर लूं, तो फिर आपको इसकी चाशनी तैयार दिखाती हूँ करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब मैं चाशनी तैयार करने लगी हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ घी, 1 प्याली, छोटी प्याली है ये। और अच्छा, ये मैं 6 से 7 छोटी इलायची डाल रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। बिस्मिल्लाह। और मैं साथ इसके डाल रही हूँ दूध, ज्यादा दूध नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा दूध डालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा करते हैं। जब ये थोड़ा हो जाता है तो फिर हम दूसरी चीज़ें इसमें मैं साथ शामिल करूंगी। अगर आप अपने बच्चों को भी दिखाएं, जो आजकल की माशाल्लाह बेटियां हैं कॉलेज वाली, वो भी देखें, ताकि उनको भी थोड़ा पता चल जाएगा इस तरह। अच्छा, ये देखें, अब माशाल्लाह चाशनी तैयार होने वाली है। इसमें उबाल आना शुरू हो गए हैं और जैसे ही चाशनी तैयार होती है मैं इसमें दूसरी सारी चीज़ें डालती हूँ। ये देखें, और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे ये। बस लोग पानी से चाशनी बनाते हैं, लेकिन मैं दूध में बनाती हूँ, मुझे इसी तरह पसंद है, क्योंकि इससे चावल जो है ना जुटते नहीं है, वो अकेला अकेला चावल रहता है। तो
अब ये थोड़े हो गए हैं और साथ में इसके ये थोड़े से चीज़ें डाल रही हूँ, कुछ मैं ऊपर थोड़ी डालूँगी तो कुछ मैं अभी साथ इनके डाल शामिल कर रही हूँ। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं और छुआरे भी डाल सकते हैं, तो आपको जो चीज़ साथ पसंद है वो डाल सकते हैं इसके। अच्छा ये देखें माशाल्लाह चाशनी तैयार हो चुकी है, अब मैं इसमें चावल डालती हूँ। तो देखें माशाल्लाह चावल कितना नाइस बना है, एक एक दाना है ये। आप इसमें रिकोड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान थोड़ा सा डालूंगी जिससे इसकी खुशबू हो जाएगी बहुत प्यारी। आप लोग मुझसे कुछ शेयर करना चाहें तो ज़रूर इन शेयर करें, जो भी आप मुझे कुछ बताना चाहें बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी जिस तरह की फरमाइश हो मैं उस तरह बना के आपको दिखा सकूं। अब मैं इसमें ये फूड कलर ऐड कर रही हूँ, लेकिन मैं पानी में नहीं करती क्योंकि अगर पानी में करो तो वो फैल जाते हैं, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा सा ऐसे लेके थोड़ा थोड़ा कॉर्नर पे डाल दूंगी। क्योंकि पानी में अक्सर कलर फैल जाता है, वो चावलों दूसरे चावल वाइट भी साथ खराब हो जाते हैं। अगर आप तेज़ कलर खाना चाहते हैं तो आप तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लाइट ही रखते हैं तो इतना तेज़ तो नहीं होगा। अच्छा ये मैंने कलर डाल दिए अब इस पर, अब मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालूंगी जिससे इसकी खुशबू अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं बस दो तीन एक पिंच ही बस होगी। अब मैं इनको दम पे रखने लगी हूँ, तो बाकी ये जो है मसाले ये जो ये मैं थोड़े से ऊपर से डाल देती हूँ साथ। आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके आप पे डिपेंड करता है कि आपको कम ये चाहिए कम डाल सकते हैं, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा डाल सकते हैं, ये आप पे अब। अच्छा मैं अब इनको दम पे रख लूं। अच्छा अब मैं इन पे ये टिशू रखने लगी हूँ, तो किचन रोल है ये वो रखने लगी हूँ। आप कपड़े का भी दम दे सकते हैं तो ये आप मर्जी है, लेकिन मैं इसी से देती हूँ क्योंकि इससे पानी जो है ना अच्छे ड्राई हो जाता है, क्योंकि पानी जो है ना वो इससे अच्छा ड्राई हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मिनट के लिए मैं दम पे रखूंगी और इंशाल्लाह फिर मैं आपको जब तैयार हो जाते तो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स अब चेक करते हैं कि हमारा दम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
ये देखिए माशाल्लाह एक एक दाना है और कलर भी ज़्यादा नहीं है, जैसे हम तंजन का लाइट लाइट कलर होता है वैसा है। अगर आप तेज़ रखना चाहें तो आप तेज़ भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे घर वाले इतना कलर तेज़ पसंद नहीं करते, उनको लाइट ही कलर पसंद है, तो इसलिए अच्छा अब हम लोग डिश आउट करते हैं। अच्छा ये देखिए माशाल्लाह व्यूअर्स हमारे चावल रेडी हो गए हैं, मतंजन नाइस कलर आया है। तो अब जाते जाते आपसे क्या यही दुआ करूं मैं मेरे अपनों के लिए, ऐ खुदा बस यही दुआ है कि मैं मेरे अपने कभी किसी दुआ के लिए मुहताज ना हूं। अच्छा जाते जाते आपसे कि बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।